तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल मुकुल टेक में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको इनको गिनीतो मोद फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। उसका फुल डिटेल बताऊँगा कि इनको गिनीतो मोद क्या होता है एंड उसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब बहुत सारे ब्राउजर्स यूज करते होंगे, जैसा कि पहले यूसी ब्राउजर था जो कि इंडिया में बैन हो चुका है, उसको आप यूज करते थे बट एंड फायरफॉक्स हो गया, या फिर ओपेरा मिनी, या फिर मेन में आप देख लीजिए तो क्रोम ब्राउज़र होता है जो कि मोबाइल में ऑलरेडी दिया हुआ होता है डिफ़ॉल्ट, जो कि उसमें भी होता है इनकॉग्निटो मोड फीचर। तो आखिर ये इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, उसके क्या फ़ायदा है, तो आज मैं इसी को बताऊंगा एंड आप इसको कैसे जाके यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको मैं करके दिखा देता हूँ यूज, ये कहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप क्रोम ब्राउज़र में, मैं बता देता हूँ, जो कि सभी मोबाइल में दिया हुआ होता है क्रोम ब्राउज़र, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र आप ओपन कर लेंगे एंड क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप जैसा कि यहाँ से सर्च इंजन पे प्रेस करके यहाँ से अगर कोई भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं देन ये हिस्ट्री में जाके सेव्ड हो जाएगा। एंड अगर कोई मान लीजिए आपका मोबाइल अगर देखता है, चेक करता है, तो वहाँ से जाके आपके हिस्ट्री को देख सकता है कि आपने क्या क्या सर्च किया था, आपकी एक्टिविटी को वो देख सकता है कि आपने क्या सर्च किया था या नहीं सर्च किया था। एंड यही फ़ायदा है आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करके, एंड देन अगर किसी चीज़ को आप सर्च करते हैं देन आपका प्राइवेसी बना रहेगा, आप वो हिस्ट्री में सेव नहीं होगा, बुक मार्क, रिसेंट पेज, कोई भी चीज़ आपके ब्राउज़र में सेव नहीं होगा। तो अगर कोई अगर मोबाइल आपका छूता है देन आप वो नहीं देख पाएगा कि आपने क्या चलाया था अपने ब्राउज़र से, क्या सर्च किया था, नहीं सर्च किया था। तो उसके लिए जैसा कि यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप राइट साइड टॉप में देख सकते हैं 3 डॉट है, तो इस पर आपको प्रेस कर लेना है। एंड देन यहाँ प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से न्यू इनकॉग्निटो टैब का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ से इस पर प्रेस कर लेना है। एंड देन यहाँ प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे आ चुका है, लिख रहा है जैसा कि यू हैव गॉन इनकॉग्निटो। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो इससे यही फायदा है कि आपका ब्राउज़र प्राइवेसली रहेगा, कोई नहीं देख पाएगा। तो जैसा कि मैं आपको अब सर्च करके दिखा देता हूँ कुछ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने FB सर्च किया एंड गो। एंड देन देख सकते हैं जैसा कि फेसबुक यहाँ से ओपन हो चुका है। तो अभी अगर नॉर्मल ब्राउजर पे आप सर्च करते हैं देन ये FB जो है वो हिस्ट्री में सेव्ड हो जाता है, बट ये सेव नहीं हुआ होगा, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो बैक आ जाएंगे एंड देन देख सकते हैं जैसा कि ये नॉर्मल हो गया क्रोम ब्राउज़र। इनकॉग्निटो टैब को हटा देते हैं, तो इनकॉग्निटो टैब हट चुका है, नॉर्मल डिफॉल्ट आ गया है। तो यहाँ से आप 3 डॉट में जाएंगे एंड देन यहाँ से आप हिस्ट्री में प्रेस कर लेंगे। एंड देन यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा पहले का जो है, देख सकते हैं वो सब शो कर रहा है, यहाँ पे FB शो नहीं कर रहा है। तो यही सब फ़ायदे हैं इनकॉग्निटो मोड के, आपका प्राइवेसी बना रहेगा आपके मोबाइल को अगर कोई यूज़ भी, जैसा कि आप मान लीजिए कोई प्राइवेट चीज़ देख रहे हैं या फिर प्राइवेट कुछ सर्च करना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं वो कहीं भी सेव ना हो ब्राउज़र फीचर ब्राउज़र में, देन आप इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर लीजिए एंड देन आप कुछ भी चीज़ को आप सर्च करते हैं कर सकते हैं, तो उससे आपका प्राइवेसी रहेगा, तो उससे आपका सभी कोई भी चीज़ डाटा सेफ रहेगा, कोई नहीं देख पाएगा। तो ऐसे ही करके आप इनकॉग्निटो मोड फीचर को यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र में, फायरफॉक्स, क्रोम, या फिर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, आप उसमें सभी लगभग सभी ब्राउज़र्स में इनकॉग्निटो टैब, इनकॉग्निटो मोड दिए हुए होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा बताया हुआ ये आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो इनकॉग्निटो मोड के बारे में आप सबको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसे टेक टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो के साथ।